देश में स्वास्थ्य मुसीबत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को इंतजार है वैक्सीन का और संकेत ये है कि वैक्सीन कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। ऐसे में वैक्सीन पहले किसे मिलेगा और किस राज्य को शुरुआत में मिलेगा कितना वैक्सीन, ये सवाल हर किसी के जहन में है। तो हम आपको बताते हैं कि पहले किसे वैक्सीन का डोज मिलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य मुसीबत से पार पाने के लिए इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा वैक्सीन को लेकर है। वैक्सीन कब आएगा और किस कंपनी का वैक्सीन लोगों को लगाया जाएगा और जिस वैक्सीन को सरकार इजाजत देगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इसके लिए रणनीति तैयार करने को तो कहा है, लेकिन किस राज्य को कितना वैक्सीन दिया जाना है ये केंद्र सरकार तय करेगी और इसके लिए भी नियम बना लिए गए हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद उन लोगों को वैक्सीन की सुविधा दी जाएगी जो 50 सालों से ज्यादा उम्र वाले हैं और पहले ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं। अब इस हिसाब से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा वैक्सीन मिलेगी। यूपी में वैसे 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या सिर्फ 15% है, लेकिन यूपी की जनसंख्या देश में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसके वैक्सीन में उसकी हिस्सेदारी भी बड़ी होगी। यूपी के बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का नंबर आता है। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार देश के 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में से आबादी के लिहाज से हाइपरटेंशन और डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज केरल में है। वहाँ की 25.3% आबादी मधुमेह से ग्रसित है, जबकि 13.7% जनसंख्या को हाइपरटेंशन है, जिन्हें पहले वैक्सीन दिया जाना है। इसीलिए अन्य राज्यों की तुलना में केरल को आबादी के अनुपात में ज्यादा वैक्सीन मिलेगा। तमिलनाडु की आबादी बिहार से कम है, लेकिन उसे वैक्सीन का डोज शुरुआत में ज्यादा मिलेगा। बिहार की अनुमानित आबादी 12.3 करोड़ और तमिलनाडु की 7.6 करोड़ है, लेकिन बिहार में 50 से ज्यादा उम्र वालों की संख्या 1.8 करोड़ है, जबकि तमिलनाडु में ये संख्या 2 करोड़ है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।